आज अपन को आत्मा और परमात्मा जो इसमें दूसरा पाठ है वितरा विज्ञान पाठमाला भाग एक में उसकी चर्चा करनी है। देखिए पुस्तक में पेज नंबर 7 पर है ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि हुए मुनिराज योगींदु और उनके द्वारा लिखा गया परमात्म प्रकाश नाम का शास्त्र है, उसके आधार पर ये पाठ लिखा गया है। वैसे ये बात अकेले एक ही जगह आती हो ऐसा नहीं है, पूरी जो जिनागम परंपरा है वो आत्मा के 3 भेदों की चर्चा करती है। तो इसमें थोड़ा सा उनके बारे में परिचय दिया है, 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में उनका काल माना जाता है। अभी बड़ी समस्या है, 6वीं से 11वीं शताब्दी तक कितने वर्ष हो गए? 500 वर्ष। अब 500 वर्ष में वे कब हुए ये पता नहीं। आज जैसी जो व्यवस्थाएं हैं कि लेखक का पूरा जीवन परिचय भी उसकी कृति के साथ में दिया जाता है, पहले वो परंपरा नहीं थी, इसलिए किन आचार्यों ने इसका उल्लेख किया है परमात्म प्रकाश शास्त्र का, तो जिसने उल्लेख किया हो उसके पहले हुए होंगे, और उनने किसका उल्लेख किया है तो उनने जिसका उल्लेख किया हो उसके बाद में हुए होंगे। इस पद्धति से अनुमान लगाया जाता है कि ये 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में हुए थे। और कुंदकुंदाचार्य देव ने जिस अध्यात्म शैली की प्रतिष्ठा जैन वांग्मय में जिनागम में अपने यहाँ की इस युग में, उसी अध्यात्म धारा को इन्होंने और आगे बढ़ाया, उसी धारा में इन्होंने और ज्यादा ग्रंथों की रचना की, जिसमें परमात्म प्रकाश और योग सार ये 2 ग्रंथ बहुत आध्यात्मिक ग्रंथ है, अत्यंत सरल ग्रंथ भी है। इन पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भी हैं बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल विषय में। इस तरह इनका छोटा सा इसमें सामान्य परिचय दिया है। अब आत्मा और परमात्मा के बारे में इसमें क्या बताया गया है, कोई भी दर्शन हो गए, दर्शन माने फिलॉसफी जिसको आप कहते हैं, उसमें आत्मा है कि नहीं, पुनर्जन्म है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर है तो कैसे हैं, आत्मा है तो कैसा है, इन सब बातों की चर्चा फिलॉसफी में होती। यदि समझ लीजिए आत्मा परमात्मा की चर्चा नहीं होगी तो वो दर्शन ही नहीं है। अन्य अनेक दर्शनों ने अपने अपने हिसाब से आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है उसकी व्याख्याएं की हैं। अन्य दर्शनों में तो जैसे वैदिक दर्शनों में एक अखंड सत्ता है, एक ब्रह्मांड है, ईश्वर उसमें व्याप्त है, ईश्वर एक महासत्ता है, अपन सब उसके अंश हैं, तो उसी में से आए हैं फिर उसी में ही चले जाएंगे, ऐसी कल्पनाएं हैं। इसके विरुद्ध जैन दर्शन में जो आत्मा और परमात्मा की व्याख्या है वो बहुत ठोस और व्यवस्थित है। यूं कहो ये तो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई बात है, और अपन तर्क से और अनुमान से सोचें तो भी ऐसा लगता है कि हाँ यार ये बात सही होनी चाहिए। इस तरह अपने यहां देखिए पाठ की शुरुआत कैसे की है, एक शिष्य और गुरु का ही इसमें संवाद लिखा गया है, और नाम वो ही रखे हैं कौन से जो एक्चुअल में थे। योगेंदु नाम रखा है गुरु का और प्रभाकर नाम रखा है शिष्य का। ऐसा कहा जाता है कि प्रभाकर भट्ट को संबोधित करने के लिए ही उन्होंने ये नाम रखे। देखो कैसा इसमें प्रश्न किया है, हे गुरुदेव आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है कृपा कर समझाइए, क्योंकि कल आपने कहा था कि ये आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है, तो कल कही थी ये बात। इसमें जब जब ऐसा मिलेगा कि कल आपने कहा था तो पिछले पाठ में वो बात आई है, ऐसा इसमें सेटिंग है,
है। कल कहा था ना, मैं भ्रम्यो अपन पौ विसर आप, मैं अपने स्वरूप को भूल कर दुखी हुआ, आत्मा को भूल कर दुखी हुआ। तो अपन पौ माने आत्मा क्या है, और जिनकी स्तुति की है परमात्मा की, कि आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है, ये सब बातें समझने से ही जैन दर्शन का धर्म का स्वरूप विशेष ख्याल में आता है। हे प्रभाकर भट्ट, आत्मा को समझने की इच्छा तुम जैसे मुमुक्षु के ही होती। जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वो अल्पकाल में ही परमात्म पद को प्राप्त करेगा। आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। अब इसमें उत्तर नहीं दिया, लेकिन उत्तर के लिए एक बहुत बढ़िया प्रेरणा की कि ऐसी बातें सुनने लायक हैं, समझने लायक हैं। और जैसा कि ये छंद यहाँ लिखा हुआ है पद्मनंदी आचार्य का, तत्प्रति प्रीति चित्ते ने ये न वार्ता ही श्रुता, ये लिखा है देखो इधर इस साइड में, उसी का भाव यहाँ पर रख दिया है। जिसको देखो, भव्य कौन है, अभव्य कौन है, जल्दी मोक्ष जाने का काल किसका है, तो जिसको आत्मा की बात सुनने में प्रसन्नता का अनुभव होता है। जैसे विद्यार्थियों को अपना रिजल्ट सुनने में प्रसन्नता का अनुभव होता है, व्यापारियों को शेयर मार्केट के भाव सुनने में जब ऊंचे जाते हैं तो प्रसन्नता का अनुभव होता है, है? बच्चों को, और जिनको क्रिकेट का शौक है तो उनको जब वो क्रिकेट के बारे में भारत जीत गया सुनने में कैसा लगता है। अपन सोचेंगे क्या वैसी प्रसन्नता अपने को, तू भगवान आत्मा है, परमात्मा है, तू व्यायक स्वभावी है, शरीर और राग से भिन्न है, ऐसा सुनते हैं तो अपने को ऐसा लगता कि नहीं लगता कि ये मेरी बात है। अभी तो अपने को ऐसा लगता है कि तो प्रवचन चल रहा है, है? अभी अपन उससे डिस्कनेक्ट रहते हैं, उससे अपना कोई अंतर का संबंध नहीं जुड़ पाता। जिस दिन ऐसा लगा कि अरे ये तो मेरी बात है और मैं अभी तक अपने आप को भूल कर दुखी हो रहा हूँ, मेरा स्वरूप तो भगवान जैसा है, मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो समझ लेना कि अभी हमारा संसार का अंत निकट आ गया है। किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है और दूसरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। ये तो अंदर की उपलब्धि की बात है। फिर बाद में हम चर्चा की, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं और वो अवस्था की अपेक्षा तीन प्रकार का होता है। तो पहले तो आत्मा किसे कहते हैं, तो जगत में जितने पदार्थ होते हैं हरेक का कोई ना कोई स्वभाव अवश्य होता है। स्वभाव माने उसकी शक्तियां, उसका नेचर, उसकी प्रकृति। जैसे बन गया मिश्री कैसी होती है, तो सब लोग मीठी होती है। जो मिठास है वो मिश्री का स्वभाव, उष्णता है वो किसका स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव, शीतलता है वो किसका स्वभाव है, चंद्रमा का स्वभाव। इस तरह से हर पदार्थ का की पहचान उसके स्वभाव से होती है। तो जिसमें ज्ञान स्वभाव है, जिसका स्वभाव जानना है, ज्ञान है, अपने वो भजन भी पढ़ा होगा ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो वो ज्ञान स्वभाव जिसमें हुए उसे आत्मा कहते हैं, उसे जीव तत्व भी कहते हैं। इसलिए जीव तत्व से उसको समझाया गया है कि जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है उसे आत्मा कहते हैं। तो अगर आपको ये परिभाषा बहुत छोटी है, याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ख्याल में आए ना, और आपस में आप इसको वस्तुनिष्ठ पद्धति से पूछ भी सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें यह है कि वो अवस्था की अपेक्षा तीन प्रकार का होता है। ये अपेक्षा क्यों लगाई, अपेक्षा लगाने का क्या मतलब है? अपेक्षा का मतलब है कि किसी एक पहलू से वस्तु को देखना, किसी एक एंगल से वस्तु को देखना। जैसे यहां मान लीजिए अगर 50 विद्यार्थियों के नाम लिखे गए इस कक्षा में, तो हमें उसमें देखेंगे कितने प्रकार के विद्यार्थी, उसमें भेद करें, तो इनसे पूछेंगे आप बताओ लिस्ट रजिस्टर में कितने प्रकार के, तो प्रकार का क्या मतलब है, उनको बांटें कैसे। तो एक ऐसा करो कि महाविद्यालय में जो पढ़ते हैं वो कितने हैं, और जो महाविद्यालय में नहीं पढ़ते हैं वैसे ही रुचि से आए हैं वो कितने, तो दो भेद हो गए। महाविद्यालय के पढ़ने और नहीं पढ़ने की अपेक्षा
विद्यार्थियों को दो भागों में बांट सकते हैं, ख्याल में आए। इसी तरह और भी गवर्नमेंट वो जनगणना करती है तो कितने अपेक्षाएं लगाती है कि ग्रेजुएट कितने हैं, नॉन ग्रेजुएट कितने हैं, इतनी तनख्वाहें वाले कितने हैं, इतनी तनख्वाहें वाले कितने हैं, स्त्री कितने हैं, पुरुष कितने हैं, समझ में आए ना। तो इसी तरह से यानी जगत में पदार्थों को जब हम उनमें भेद प्रभेद करते हैं तो कई अपेक्षाओं से, कई एंगल से वो भेद प्रभेद किए जाते हैं। जैसे आत्मा के भी अनेक तरह से भेद किए गए हैं, चौदह गुण स्थान भी बताए, महागणा स्थान भी बताए, जीव समास भी बताए, ये आगे की कक्षाओं में आप जब पढ़ेंगे तो वैसे भेद आपको बताएंगे। यहाँ तो अत्यंत सरल ढंग से कि तीन तरह की अवस्थाएं होती हैं जिनकी चर्चा अभी अपने को करना है। ये समझ लो जैसे मनुष्य का जीवन होता है ना, तो उसको अपन तीन भागों में मुख्यतया बांटते हैं। ये मनुष्य जीवन को तीन भागों में बांटते हैं, कौन से भाग में? बालकपन, युवापन और बुढ़ापा। जैसे कोई पहले अंतर्देशी लिफाफे ज्यादा चलते थे, अब तो ईमेल वगैरह बहुत ज्यादा चलने लगे, मोबाइल हो गया इसलिए अब चिट्ठियों का प्रचलन कम होता जा रहा है। तो उसमें लिखा रहता था पहला मोड़ है, तो ये बचपन जो है अपने जीवन का पहला मोड़ है, फिर जवानी आई तो दूसरा मोड़ आया, तो बुढ़ापा आया तो तीसरा मोड़ आया। उसके बाद में क्या होता है, लिफाफा पोस्ट कर दिया जाता है, उसे अपना पोस्ट हो जाएगा तुम्हारा। ये जिंदगी का स्वरूप है। तो